वीकेंड का वार, जी हाँ, बड़ी बेसब्री से लोगों को वीकेंड का वार का इंतजार रहता है कि सलमान सर आएंगे और सबकी बैशिंग करेंगे। इस बार आपको बता दें कि वीकेंड के वार पे सलमान सर नहीं होने वाले हैं। जी हाँ, ये बड़ी ही शॉकिंग खबर है कि सलमान सर नहीं होने वाले हैं, क्योंकि सलमान सर के होने से जो मज़ा होता है, जो उनकी बैशिंग होती है, वो जो करारी वाली होती है, वैसी वाली नहीं होगी। लेकिन हाँ, करण जौहर आएंगे, ऑब्वियसली करण जौहर ही उनको रिप्लेस करते हैं, या फिर फराह खान आती हैं, लेकिन फराह खान नहीं आ रही हैं, करण जौहर आ रहे हैं, और वो क्लास लगाने वाले हैं घर वालों की एक बार फिर से। इसके पहले भी करण जौहर आए थे, जहाँ पे उनको फील हुआ था कि भाई मेरी इंसल्ट हो रही है, लोग मेरी बातों को बड़ी लाइटली लेते हैं, सीरियसली नहीं लेते हैं। ऐसा होता है, ये बात सच है कि सलमान सर को ही लोग सीरियसली लेते हैं, सलमान सर की जगह पे कोई और आके बैश करके जाए, ये घर वालों को भी पसंद नहीं आता है। तो इस बार मसला भी वैसे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुनव्वर फारूकी, आयशा, इन लोगों की जो कहानी बाहर निकल के आई है, आई थिंक इस पे लंबी क्लास लगने वाली है, और हो सकता है कि भैया नाजिला को भी एज अ गेस्ट लेके आया जाए, जहाँ पे वो अपनी बातों को रखें, क्योंकि वो खोल चुकी हैं राज, वो कह रही हैं कि भाई ये झूठा इंसान है, कि अपने आप को बचाने के लिए ये झूठ बोल रहा है। तो हो सकता है इस बार नाजिला को भी लाया जाए स्टेज पे और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो, मतलब ये बैशिंग तो होने वाली है। और घर में कौन कौन सी बातें हो सकती हैं, आई थिंक अभिषेक को फिर से जो पोक कर रहा है समर्थ और ईशा, उस पर ज़रूर बात हो सकती है। जिस तरीके से बार बार उसको मेंटल है, पागल है कहा जा रहा है, वो तो देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, और ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो वीकेंड के वार का जो आप लोग को इंतज़ार है, इंतज़ार करिए, लेकिन सलमान सर नहीं होंगे, करण जौहर होंगे उनकी जगह पे, और कल उसकी शूट होगी वीकेंड के वार की। चलिए आप लिखिएगा आपको क्या है कहना।